हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हरियाणा सरकार प्रदेश में बुढ़ापा सम्मान पेंशन के तहत 15 लाख से ज्यादा लोगों को 1800 रूपये पेंशन के रूप में दे रही है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इसके साथ ही विधवा और दिव्यांग पेंशन के तहत भी प्रदेश के लोगों को 1800 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। कृष्ण बेदी ने बताया कि हरियाणा सरकार 25,12,535 लोगों को 448 करोड़ रूपये प्रति महीना पेंशन के रूप में दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पेंशन मुहैया कराने में हरियाणा सरकार देश भर में पहले नंबर पर है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब हमारी सरकार बनी थी उसके बाद से लेकर अब तक हमने जितने भी सम्मान पेंशन है, बुढ़ापा सम्मान पेंशन है, विधवा, दिव्यांग, आज हम सभी को 1800 रुपये प्रति माह पेंशन दे रहे हैं और ये देश के अंदर पहला प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा पैसा हम इन लाभपात्रों को दे रहे हैं और सबसे ज्यादा लोगों को दे रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज के दिन हम 25,12,535 लोगों को पर मंथ 448 करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से, डाकघर के माध्यम से और के माध्यम से हम पैसा सीधा लाभपात्रों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम सभी ने लगातार 13 महीने दिन रात काम करके, अधिकारियों ने और हमारी टीम ने इस पेंशन योजना को बैंकों के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम से लागू ही नहीं किया। देश के अंदर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाला हरियाणा प्रदेश ऐसा है जिसने ऑनलाइन सिस्टम से जो पेंशन स्कीम्स थी वो लोगों तक डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया और ये स्कीम सबसे ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने में पर मंथ कामयाब रही है।